हेलो नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में दोस्तों बता रहे हूँ कि विवाह अनुदान योजना के लिए आप कैसे अप्लाई करेंगे। यहाँ पर शुरू हो गया ऑनलाइन आवेदन, यहाँ पर करना पूरे ऑल स्टेट का। अब आपको 50,000 से भी ज़्यादा आपका जो विवाह का खर्च होगा वो सरकार आपको देगी, आपके बैंक अकाउंट में सीधे डायरेक्ट आएगा। अगर आप इस कैटेगरी में आते हो तो आपको ये बेनिफिट दिया जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार से इस आपको अप्लाई कैसे करना है मैं आपको पूरा प्रोसेस आपको बताऊंगा दोस्तों। अगर चैनल पर दोस्तों पहली बार आए सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, इससे ऑनलाइन अपडेट आपको जो भी आएगी गवर्नमेंट की तरफ से वो पहले मिल जाएगी। तो इस तरह की वेबसाइट रहेगी। इस वेबसाइट के आने के लिए आपको मैं किसी ब्राउजर क्रोम ब्राउजर पर आप आओगे तो यहाँ पर लिख देना है अपना india.gov.in। लिखने के बाद इस तरह का यहाँ इंटरफेस आ जाएगा। अब नेशनल पोर्टल ऑफ इंडिया, इस पर आप क्लिक करोगे, इस तरह का इंटरफेस आपके फ़ोन पे आएगा। मोबाइल से प्रोसेस में बता रहा हूँ, बड़े ध्यान से वीडियो को पूरा बिना स्किप के देखिएगा। यहाँ पर बहुत बेनिफिट आपको मिलेगा। यहाँ पर हर अगर इस कैटेगरी में पाओगे तो आपको किसी भी आपने लेबर कार्ड बना रखा है या आपने नहीं बना रखा है तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। आपको यहाँ पर बेनिफिट दिया जाएगा, महिला पुरुष सभी को दिया जाएगा यहाँ पर। तो आपको कैसे, ये वेबसाइट है इस तरह की। यहाँ पर कीवर्ड आपको यहाँ पर इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर सर्च करना है आपको यहाँ पर विवाह अनुदान योजना। यहाँ पर मान लीजिए शादी अनुदान, यहाँ पर शादी अनुदान लिखे हो गए आप, और सर्च कर देना है आपको इस तरह से। सर्च करोगे आप, सर्च करने के बाद यहाँ पर ऑल स्टेट के लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर पूरी ऑल स्टेट की यहाँ पर लिस्ट आ जाएगी। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आप इस पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ एमपी के लिए आप इस पोर्टल पे पहुँच जाओगे। अगर एमपी से हो तो एमपी के लिए यहाँ अप्लाई कर सकते हो। इस तरह का इंटरफेस यहाँ पर शो करेगा, इस तरह का यहाँ पर इंटरफेस आ गया। यहाँ पर देखिए आपको दिखाई भी दे रहा है विवाह पोर्टल। इस तरह यहाँ पर अगर आप एमपी से हो तो एमपी के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर इस तरह का पोर्टल आएगा। उसके बाद यहाँ पर और मैं आपको और भी, यहाँ पर दिल्ली से हो तो दिल्ली का यहाँ पर दिल्ली वाले क्लिक करोगे तो ये वेबसाइट पे ले जाएगा। दिल्ली से हो आप तो दिल्ली वाले पोर्टल पे आप करके विवाह अनुदान योजना को क्लिक कर सकते हो। गुजरात से हो गुजरात के लिए यहाँ पर, इस तरह ऑल स्टेट के लिए अगर आप कहीं से भी हो किसी भी स्टेट से तो आप अप्लाई कर सकते हो इसके लिए। तो अगर आपको स्टेट इसमें नहीं मिलता है तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है इस तरह का। और जितने भी स्टेट बाकी हैं वो सारों की यहाँ पर लिस्ट आ जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से लिस्ट आ जाएगी। चलिए हम किसी एक पर क्लिक करके आपको यहाँ पर दिखाते हैं। यहाँ पर क्लिक किया, इस तरह का इंटरफेस आ गया। अब आपको क्या करना है, इस प्रकार से आपका नोटिफिकेशन यहाँ पर आपके पे होम पेज आएगा। अब आपको यहाँ पर अगर आप इस कैटेगरी में आते हो अनुसूचित जनजाति वर्ग आवेदन, अन्य पिछड़ा वर्ग में या अल्पसंख्यक वर्ग में, अगर आप इस कैटेगरी में अगर आप आते हो इन तीनों कैटेगरी में से किसी एक कैटेगरी में आपको सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपके पास लेबर कार्ड है या नहीं है तब भी आपको यहाँ पर आपका बेनिफिट आपको दिया जाएगा। महिला पुरुष सभी के लिए यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पर अन्य पिछड़ा वर्ग पे हम क्लिक कर देते हैं, इस पर क्लिक कर देते हैं इस प्रकार से। इस पर क्लिक करने के बाद आप थोड़ा सा यहाँ पर प्रोसेस आपके फ़ोन में लेगा। इस प्रकार से यहाँ पर आपका इस प्रकार से पोर्टल खुल जाएगा। इस प्रकार से पोर्टल खुलने के बाद यहाँ पर आपको पहले इसका साइज आपको देख लेना है। यहाँ पर जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर रखने हैं उनका साइज रहेगा, आपको फ़ोटो रहेगी, 1 KB से लेके 20 KB तक का उनका साइज रहेगा, PDF में रहे या JPG में रहे। और यहाँ पर दोस्तों और जो दूसरे डॉक्यूमेंट्स हैं वो 1 KB से 40 KB में होना चाहिए। तो यहाँ पर पहले साइज भी आप बना लीजिएगा, उसके बाद आपको यहाँ पर विवाह हेतु अनुदान योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता है तो यहाँ पर स्वीकृत के लिए आवेदन पत्र, यहाँ पर देखिए ऊपर में फ्रंट पेज पर आपको लिखा गया है। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, पुत्री की शादी की तिथि, आपकी पुत्री की शादी की तिथि क्या है यहाँ पर, तो उस पुत्री की अपने बेटी की शादी की यहाँ पर दिन डाल देना है, किस तारीख का शादी का डेट है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर अपना जनपद या है, यहाँ पर अपना जनपद को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर पूरे जनपद दे रखे, आप यहाँ पर जनपद को सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर अपना यहाँ पर शहरी या ग्रामीण से हो आप तो इस पर आप सिलेक्ट कर लोगे शहरी या ग्रामीण पे। तो इस प्रकार से आप सिलेक्ट कर लोगे तो इस तरह के इंटरफेस यहाँ पर शो करेगा, ये फॉर्म और बढ़ते जाएगा। यहाँ पर अपना विकास खंड डालना है, ग्राम यहाँ पर डालना है, यहाँ पर पूर्ण स्थायी पता आपको डालना है इस बॉक्स में, और यहाँ पर अपना आवेदक का एक फ़ोटो। अगर आप अपनी बेटी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप अपना फ़ोटो यहाँ पर अपलोड करोगे। और यहाँ पर उसके बाद तहसील को चेंज कर लेना है, यहाँ पर पिन कोड डाल देना है, पुत्री का यहाँ पर अपलोड फ़ोटो, यहाँ पर बेटी का यहाँ पर
फोटो जिनकी शादी होनी है उनका यहाँ पर JPG में फोटो आप बना लोगे, यहाँ पर फाइल को अपलोड कर देना है। यहाँ पर इस पर अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पर इस तरीके का नीचे आप आ जाओगे और अब यहाँ पर आवेदक का नाम, पहले आप अपना नाम डालोगे और अपना यहाँ पर जो भी धर्म सेलेक्ट करोगे, जाति सेलेक्ट करोगे आप, पहचान पत्र की फ़ोटो कॉपी अपलोड करनी है यहाँ पर, और आवेदक का पिता का या पति का नाम, आवेदक के पिता या पति का नाम, तो जो आवेदक हैं तो उनके पिता का नाम रहेगा यहाँ पर, अगर महिला है तो उनके पति का नाम रहेगा यहाँ, पुत्री का पिता का नाम, पुत्री के साथ संबंध यहाँ पर, मोबाइल नंबर रहेगा आपका, क्या आवेदक द्वारा दूसरी पुत्री के लिए आवेदन किया जा रहा है, यहाँ पर दो बेटियों के लिए यहाँ पर आपको सहायता दी जाएगी। तो यहाँ पर इस आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ पर ऑप्शन भी दिया जाएगा यस या नो, तो यहाँ पर यस या नो का जवाब आपको दे देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको पुत्री का यहाँ पर नाम डालना है, जाति प्रमाण पत्र संख्या, जाति प्रमाण पत्र आपको चाहिए, और यहाँ पर आवेदक लिंग, यहाँ पर लिंग पुरुष या महिला यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। यदि आवेदक विधवा विकलांग है तो यहाँ पर भी सिलेक्ट करने के यहाँ पर ऑप्शन दिया गया, आप सिलेक्ट कर सकते हैं, इसमें कोई नहीं तो आप कोई नहीं भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद नीचे आप आ जाओगे, नीचे आने में सब पे स्टार लगे हुए, सारे यहाँ पर सारे फॉर्म को यहाँ पर भरना अनिवार्य है, कोई आप बॉक्स को खाली नहीं छोड़ना है। यहाँ पर आपको नीचे आ जाना, शादी विवरण को आपको भरना है। अब शादी विवरण में वर का नाम, यानी शादी हो रही है जिससे, तो लड़के का नाम यहाँ पर, पुत्री की जन्म तिथि, और यहाँ पर पुत्री की उम्र सत्यापित करने के लिए प्रमाण पत्र की फ़ोटो कॉपी, कोई भी प्रमाण पत्र की फ़ोटो की, हाँ आपकी पुत्री है उनकी फ़ोटो कॉपी रहेगी, अपलोड की जाएगी। शादी के सत्यापन प्रमाण पत्र, शादी के सत्यापन प्रमाण पत्र, इनमें से आप शादी का कार्ड या शादी का प्रमाण पत्र अगर बनवा रखे हैं तो वो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हो, शादी पत्र कार्ड फोटो कॉपी अपलोड करें, अगर शादी का यहाँ पर शादी का कार्ड छपा रखे हो तो यहाँ पर अपलोड कर देना है आपको, इस पर क्लिक करके आपको अपलोड कर देना है। यहाँ पर वर का पूरा पता, पूरा एड्रेस डालोगे आप, पुत्री की, और पुत्री का यहाँ पर आयु, कितनी उम्र है, वर की आयु, यहाँ पर वर की आयु यहाँ पर वर्षों में डालनी है, यहाँ पर लड़के और लड़की के दोनों के यहाँ पर उम्र डालनी है आपको। उसके बाद वार्षिक आय, यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट आपका, यहाँ पर आय प्रमाण पत्र जो बोलते हैं वो आपका होना चाहिए, तहसील द्वारा बनाया गया हो तो यहाँ पर अपना इनकम सर्टिफिकेट का यहाँ पर आय, वार्षिक आय डालनी है कितनी आय है। उसके बाद यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट का प्रमाण पत्र संख्या डालना है आपको। उसके बाद आपको यहाँ पर अपलोड आय प्रमाण पत्र की फ़ोटो कॉपी यहाँ पर अपलोड कर देनी है आपको, साइज़ बना लेना पहले, इस इतने साइज़ में आपको सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना होगा। उसके बाद आपको बैंक का विवरण आपको डालना है, बैंक का नाम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, सारी भी बैंक यहाँ पर दिए गए हैं, आप कोई सा भी बैंक को सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर IFSC कोड आपको डालना है, बैंक की पासबुक की फ़ोटो कॉपी अपलोड करनी पड़ेगी। उसके बाद यहाँ पर स्क्रॉल करोगे, इस प्रकार से बैंक शाखा अपना यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना, जो भी शाखा आता है तो शाखा सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद खाता संख्या, अकाउंट नंबर आपको डाल देना है, अकाउंट नंबर डालने के बाद आपको इस तरह का यहाँ पर फॉर्म, यहाँ पर कैप्चर जो दिखाई दे रहा है कैप्चर आपको यहाँ पर भरना है, भरने के बाद आपको सेव वाले यहाँ पर ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। सेव वाले ऑप्शन पर जब आप क्लिक कर दोगे तो उसके बाद यहाँ पर आपको इसको आपको फाइनल प्रिंट करना पड़ेगा। चलिए सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर आना है फाइनल सबमिट पे। अगर कोई यहाँ पर अगर कोई गलती से आपने फिल कर दिया तो आपको दोबारा से उसमें आप कुछ करेक्शन कर सकते हो। उसके बाद तब फाइनल सबमिट आप करना, फाइनल सबमिट वाले ऑप्शन पे आप जब क्लिक करोगे तो यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस यहाँ पर शो करेगा। आपको यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर डालना है, जो एप्लीकेशन नंबर जनरेट हुआ है, और बैंक अकाउंट नंबर डालना है, पासवर्ड, अगर पासवर्ड आपके पास पता नहीं है आपको तो यहाँ पर जनरेट पासवर्ड का ऑप्शन दिया गया है, आप पासवर्ड को जनरेट कर सकते हो। इस पर क्लिक करके आप पासवर्ड जनरेट करोगे, वो पासवर्ड डाल के यहाँ पर आप कैप्चर डालोगे और लॉगिन कर दोगे। लॉगिन करने के बाद आपका फॉर्म को सबमिट हो जाएगा फाइनल। उसके बाद उसकी स्थिति आप कैसे देखोगे, मैं आपको बैक आ जाना है, फिर बैक आने के बाद उसका यहाँ पर स्थिति आप कैसे देखना है आपको, यहाँ पर पहले प्रिंट कर लेना है, इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर प्रिंट आपका हो जाएगा। यहाँ पर प्रिंट कर रहा है, उसी तरह से आपको प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट करने के बाद आपकी यहाँ पर स्थिति आपको यहाँ से इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना, इसके आवेदन की स्थिति आप देख सकते हो। इस तरह के आप डालोगे तो आवेदन की स्थिति आपको शो करेगी। तो इस प्रकार से आप
आप किसी राज्य से हो तो आप उसी पोर्टल पे जाके आप बड़ी आसानी से इस योजना के लिए लाभ 50,000 से भी ज़्यादा सरकार इसके लिए आपको बेनिफिट देगी दोस्तों, अगर आप इस कैटेगरी में आते हो तो। तो आई होप दोस्तों मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आई होगी तो चैनल को मेरे सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, इससे ऑनलाइन अपडेट जो भी आएगी वो पहले मिल जाएगी। ये जो थी दोस्तों यहाँ पर ये मैं साइट जो थी ये उत्तर प्रदेश की थी, ठीक है। अगर आप उत्तर प्रदेश से हो तो आपको इस तरह ही आवेदन करना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, बाय।